बॉल्स के प्रकार जितने भी हों, किसी भी स्लोप पर वो और नटखट हो जाती है और लुढ़क कर पहुंच जाती है नीचे। साइंस भी यही है कि बॉल्स जैसे राउंड ऑब्जेक्ट का डायमीटर कम हो और ग्राउंड को टच करने वाला बेस छोटा हो तो वो किसी भी चीज से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। पर ये है कृष्णास बटर बॉल, एक ऐसा स्टोन जिसने साइंस के सभी रूल्स को फेल करके बैलेंसिंग का एक अमेजिंग एग्जाम्पल पेश किया है। सिटी ऑफ टेम्पल्स महाबलीपुरम तमिलनाडु, चेन्नई से 60 किलोमीटर साउथ में बसी ये पोर्ट सिटी फेमस है अपनी हिस्टोरिक स्टोन कार्विंग के लिए। पर यहाँ एक ऐसा जायंट बैलेंसिंग रॉक है जो एक स्लोप पर सिर्फ 2 स्क्वायर फीट बेस पर टिका हुआ है। सुनिए गाइड कनियप्पा जी का क्या कहना है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या कोई भूकंप, लेकिन ये पत्थर यहाँ इसी तरह इसी जगह खड़ा रहता है। हजारों साल गुजर गए लेकिन ये अपनी जगह से हिला नहीं। कहते हैं कि 20 फुट ऊंचा और करीब 16 फुट डायमीटर वाला ये कृष्णास बटर बॉल 1200 साल से ग्रेविटी को मात देकर यहीं इसी पोजीशन पर अटका हुआ है। पत्थर जिद्दी है पर इंटरेस्टिंग है। कृष्ण भगवान की माखन खाने की आदत से भक्तों ने इस पत्थर को कृष्ण का माखन माना और इसे नाम दे दिया कृष्णास बटर बॉल। पर इसका ओरिजिनल तमिल नाम है वनीरई कल, जिसका मतलब होता है स्टोन ऑफ द स्काई गॉड। अब ये किसी सुपरनैचुरल पावर की वजह से इतनी कम स्पेस पर टिका है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है ये तो कोई नहीं जानता, पर जो भी इस 250 टन यानी 2.5 लाख किलो के इस पत्थर को देखता है उसके मुंह से यही निकलता है, OMG, ये मेरा इंडिया। देखने में ये भले ही ऐसा लगता है कि कभी भी लुढ़क जाए, पर जी नहीं, टूरिस्ट तो यहाँ इसके नीचे छाव में आराम फरमाते हैं। और जिस सरफेस पर ये टिका है वो इतना स्लिपरी है कि बच्चे इस पर फिसल पट्टी की तरह फिसलते हैं। भैया कौन से ग्लू से चिपका है ये बटर बॉल, बड़ा ही चिपकू है। इसे दूसरी दुनिया से भी जोड़कर देखा जाता है। महाबलीपुरम में यह अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्विंग्स नहीं है। माना जाता है कि पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन ने इस पत्थर को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि दूसरी दुनिया से आए इस पत्थर पर कोई नकाशी बनाई ना जाए। इन बातों से तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर यहाँ 7वीं सदी से भी पहले से मौजूद है। 1908 में चेन्नई के गवर्नर आर्थर को लगा कि ये जल्द ही लुढ़क जाएगा और उन्होंने 7 हाथियों की मदद से इसे इसके पॉइंट से खिसकाने की कोशिश भी की, पर बटर बॉल के सामने हाथियों के भी पसीने छूट गए। कृष्णास बटर बॉल ओलंटी टेम्बो पेरू और माचू पिचू के मोनोलिथ से भी बड़ा है। कईयों का मानना है कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, पर इरोजन, वाटर फ्लो और हवा के भाव से भी पत्थर का ऐसा शेप लेना नामुमकिन है डूड। भाई तुम 10-15 लोग मिलकर क्या जोर लगा रहे हो, 100-200 को बुलाओ ये तब भी नहीं हिलेगा। सोचने की बात ये है कि 1200 साल पहले इस बिग बॉल को यहाँ तक लाए कैसे होंगे। अब ये कुदरत का करिश्मा है या किसी हिस्ट्री के बाहुबली का कमाल, ये भी अब एक राज ही है। पर इसे देखकर टूरिस्ट कितने अमेज होते हैं ये सभी जानते हैं। ताजमहल के बाद ये दूसरा अजूबा है जिसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ। सच में ये कमाल की चीज है। ये अजूबा टन भारी और 20 फुट ऊंचा ये पत्थर ऐसी स्लोप पर टिका है जहां एक छोटी सी बॉल भी नहीं टिक पाएगी। हालांकि इंडिया की कई चीजें चौंकाने वाली हैं, है ना, पर इस कृष्णास बटर बॉल का एक जगह टिके रहने का ये खेल इतना निराला है कि हर इंडियन इसे देखकर एक ही चीज कहता है, OMG, ये मेरा इंडिया।